तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे लड़कियों ने और कुछ लड़कों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अपने पार्टनर को शादी के लिए कैसे मनाएं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन में तो होता है, लेकिन फ्यूचर में वो आपके साथ शादी करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपकी जो हेल्प कर सकता है अपने पार्टनर को शादी के लिए मनाने के लिए, वो एक ही ट्रिक है, वो एक ही तरीका है, और उस ट्रिक का नाम है रेफरेंस मेथड। उसको समझने से पहले आपको अपने पार्टनर की इस परेशानी को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि वो इंसान आपके साथ रिलेशन में तो है लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता। इट मीन्स ये होता है कि वो आपको पसंद करता है, वो आपको लाइक करता है, इसीलिए तो वो आपके साथ रिलेशन में है, लेकिन वो आपके साथ शादी करना नहीं चाहता। इट मीन्स कि वो श्योर नहीं है, वो कंफ्यूज है कि आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो शादी के लिए या नहीं। अब बात करते हैं रेफरेंस मेथड के बारे में। रेफरेंस मेथड मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि रेफरेंस मेथड का आपके पार्टनर के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कई बार रिलेशन में मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि लड़का दूसरे लड़के को कहता है कि यार तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड सही नहीं है, मुझे लगता है कि वो ऐसी है वैसी है। आपको पता है लोग आपके पार्टनर को ऐसा करते हैं और आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेता है। और लड़कियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। कई बार लड़कियाँ अपनी दूसरी दोस्त को कहती है कि यार तेरा बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, मुझे खास पसंद नहीं है, तो लड़की को उसके बाद अपना बॉयफ्रेंड फीका लगने लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसा रियल में होता है दोस्तों। अब क्या होता है ना कि लोग जब किसी पार्टनर को पसंद करते हैं तो ये कहते हैं कि उसकी इंप्रेशन दूसरे लोगों पर होनी चाहिए कि लोग मेरे पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। अगर दो लोग उसको तारीफ कर देंगे ना, उन्हें आप पहले से ज़्यादा अच्छे लगने लगोगे। लोगों के माइंडसेट पे दूसरों की कही हुई बातें इतनी ज़्यादा असर करती और वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो आप रेफरेंस मेथड का किस तरह से यूज करोगे, इससे पहले आपको शांति से आराम से ये सोचना होगा कि यहाँ पे कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग जो आपके पार्टनर के फ्रेंड्स होंगे, जिनके सर्कल में होंगे, जिनके साथ आपके पार्टनर का उठना बैठना होता है, और दूसरे लोग उनके घर वाले, यानी कि आपके पार्टनर के घर वाले, इन लोगों का आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो आपको यहाँ पे करना यह है कि आपको उन लोगों को इम्प्रेस करना है ताकि वो लोग आपको रेफरेंस करें, तू इससे शादी कर ले, अगर ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो तुझे इससे शादी करनी चाहिए, आपके बारे में ऐसा रेफरेंस अपने पार्टनर को दे। तो आपको उनके दोस्तों को इम्प्रेस करना होगा। इम्प्रेस करने का मतलब कि उनके दिमाग में आपकी एक अच्छी इंप्रेशन होनी चाहिए, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करो, उनके सामने अपना अच्छा वाला बिहेवियर दिखाओ, अपनी स्मार्टनेस दिखाओ, ताकि उनके जो दोस्त है आपके पार्टनर को आपको रेफरेंस करें। उनके बाद बारी आती है उनके घर वालों की, तो आपको उनके घर वालों के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करने चाहिए। अब बहुत लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग नर्वस भी फील करते कि मैं उनके घर वालों को जानता भी नहीं या जानती भी नहीं। तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। कुछ भी करके कैसे भी करके आपको उनके साथ ये रिलेशन डेवलप करने पड़े, आपको उनके घर वालों के सामने भी अपनी अच्छी इंप्रेशन दिखानी होगी। मोस्ट ऑफ आपके पार्टनर के घर वाले तो हर लड़की को हर लड़के को उनके बेटे या बेटी के साथ जोड़ के देखते हैं कि क्या इसके साथ इसका हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे भी अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं तो उनके घर वाले भी आपका यह रेफरेंस देगा कि तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए, इस लड़के से शादी करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, अगर 3 से 4 लोग आपका रेफरेंस देते हैं आपके पार्टनर को कि तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए, अगर आप इस रेफरेंस मेथड को अच्छी तरह से यूज़ कर पाते हो और उसके बाद 3-4 लोग आपके पार्टनर को आपका रेफरेंस देते हैं कि तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी लड़की, उसके बाद आपका पार्टनर भले ही आपको 1000 बार मना कर गया होगा लेकिन वो इसके बारे में सोचेंगे, और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ये लड़का या लड़की मेरे लिए एक बेस्ट पार्टनर बन सकता है। आफ्टर ऑल लोग ये दिखाना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे पार्टनर के बारे में क्या सोचता है। तो कोई भी ऐसा चांस ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहता तो कमेंट करें। मंदिर में आने से पहले आप घंटी बजाते हो तो इस चैनल पर जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजानी है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।